चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं फोर्टीन चौथे नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं इसमें कह रहा है कि संख्या पैंसठ और एक सौ सत्रह का एस ज्ञात कीजिए और इसे पैंसठ एक्स प्लस एक सौ सत्रह वाई के रूप में क्या करना है प्रकट करना तो सबसे पहले हम इसका एस निकालते हैं तो एस निकालना हम बताए दें आपको छोटी वाली संख्या से आप क्या कीजिए इस बड़ी वाली संख्या में क्या कीजिए भाग करिए तो देखिए पैंसठ दुना अधिक आ जाएगा तो एक बार में करिए पैंसठ काम कितना हो जाएगा पैंसठ यहाँ पे आप माइनस करिए तो जब माइनस करेंगे तो आपका दो हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा ग्यारह में छः ग्यारह में छः जाएगा आपका कितना हो जाएगा पाँच हो जाएगा बावन हो जाएगा फिर इस पैंसठ को लिखिए यहाँ पे फिर क्या करना एक से जाएगा ये बावन तो ये आपका बचेगा तीन तेरह फिर इसको बनाइए और तेरह चौक कितना होता है बावन होता है ये कट जाएगा यानी एच सी कितना आ जाएगा एच सी एफ इसका आ जाएगा आपका तेरह और यहाँ पे कह रहा है इसके रूप में लिखना है तो आप लिख दीजिए कि तेरह बराबर पैंसठ एक्स प्लस एक सौ सत्रह वाई यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अगर यही पूछ दे कि एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए तो एक्स का मान आपका यहाँ पे हो जाएगा एक्स का मान हो जाना चाहिए आपका दो और वाई का मान हो जाएगा माइनस एक क्यों हो जाएगा क्योंकि जब ये वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे एक्स के जगह पे दो और वाई के जगह पे एक रखेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा तेरह आएगा आंसर ठीक है ना इसका आंसर कितना आएगा तेरह आएगा फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसी प्रकार है यदि छप्पन तथा बहत्तर का एस सी एफ डी है इसका एस सी एफ क्या दिया है डी तो पहले इसका एस सी एफ हम निकाल लेते हैं सॉल्यूशन यहाँ है लिख दे रहा है इसका एस सी एफ छप्पन से हम भाग कर लेते हैं बहत्तर में देखिए तो छप्पन एकम कितना हो जाएगा छप्पन बारह में से छः जाएगा कितना होगा छः यहाँ बचा छः में सोलह और देखिए सोलह के सोलह सोलह बत्तीस सोते अड़तालीस सुरक्षों को चौंसठ सोरती है कितना हो जाएगा अड़तालीस तो ये सोलह में से आठ जाएगा आठ होगा यहाँ पे आठ आठ दूना कितना हो जाएगा सोलह यानी इसका जो एस आ रहा है कितना आ रहा है आठ आ रहा है और ये बता रहा है कि इसका एस कितना है डी है तो एक्स वाई के वे मान ज्ञात कीजिए जो इसके यानी यहाँ पे रख दिया डी का जो वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा डी बराबर हमको दिया हुआ है छप्पन एक्स प्लस बहत्तर वाई और तो देखिए डी का मान हमारा कितना आ गया डी अभी इसका सी हम कितना निकालें आठ आया तो आठ बराबर कितना हो जाएगा छप्पन एक्स प्लस कितना हो जाएगा बहत्तर वाई इसमें कह रहा है एक्स और वाई का मान निकालना तो देखिए एक्स का यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा चार और वाई का वैल्यू हो जाएगा माइनस यानी ये वैल्यू रखने पर इतना आना चाहिए आठ आना चाहिए चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं जाँच यहाँ कर लेते हैं इसका जाँच इसको रख के आप चेक करना पड़ता है एक रखिए दो रखिए जिसपे ये क्या हो जाए दोनों पक्ष बराबर आ जाए वही आंसर हमारा आता है तो चलिए इसको रखते हैं हम जांच में देखिए तो एक्स का आठ है यही मेरा और छप्पन गुड़े चार और प्लस बहत्तर गुड़े माइनस का तीन तो आठ बराबर चेक करते हैं देखिए छः चौ चौबीस का चार जाएगा। हो, जाएगा। हो जाएगा और दो आएगा पाँचों को बीस दो कितना हो जाएगा दो सौ चौबीस हो जाएगा और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तीन दो न छः सत्र की इक्कीस दो सौ कितना हो जा रहा है सोलह तो यहाँ देखिए 224 में से 216 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आठ आपका हाँ हो जाएगा यानी एल के बराबर क्या आ गया आर आ गया यानी हमारे आंसर क्या है ये सही है तो इस तरह से क्या कर सकते हैं 14 और 15 को आप लोग सॉल्व कर